रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई है। इस फिल्म की टीजर और गाने रिलीज किए जा चुके हैं, जिसे लोग काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं। 1 दिसंबर को सिनेमाघर में रिलीज होने वाली फिल्म एनिमल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि इस बीच फैंस के लिए खुशखबरी है। दरअसल लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि रणबीर की फिल्म एनिमल से जुड़ी कुछ झलकियां दुबई के बुर्ज खलीफा पर दिखाया जाएगा। पिकविला की रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर और रश्मिका की फिल्म से 60 सेकंड का एक स्पेशल वीडियो दुबई के बुर्ज खलीफा पर दिखाया जाएगा। वही इस ग्रैंड इवेंट के दौरान लीड एक्टर रणबीर के साथ फिल्म में विलन का रोल करने वाले बॉबी देओल मौजूद रहेंगे। वही इस तरह से फिल्म एनिमल को हिट कराने के लिए मेकर्स किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि शाहरुख खान की फिल्मों की झलक दुबई के बुर्ज खलीफा पर दिखाई जा चुकी है। अब रणबीर भी शाहरुख के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शाहरुख की फिल्म की तरह रणबीर की फिल्म एनिमल भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होगी या नहीं। फिलहाल फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है। बता दें कि संदीप बांगा रेड्डी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म एनिमल की कहानी को लेकर बताया जा रहा है कि ये कहानी एक गैंगस्टर की फैमिली की है, जिसमें अनिल कपूर पिता है और रणवीर उनके बेटे के तौर पर नजर आएंगे। वही फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर से टकराएगी, क्योंकि ये दोनों फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ऐसी मूवी न्यूज अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को भी सब्सक्राइब करें।